एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी एप्लीकेशन को का शॉर्टकट तैयार करना। ओके, किसी भी एप्लीकेशन यानी कि मेरा टैली प्राइम, ओबीएस स्टूडियो, गूगल क्रोम, एचपी फोटो, यानी कि एनीवे कुछ भी हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसका शॉर्टकट कैसे तैयार करेंगे हम। जैसे मुझे ये टैली प्राइम ओपन करना है, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे या तो राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। ये हमारे पास दो ऑप्शन है। इसके अलावा हम अपने कीबोर्ड से कैसे ओपन करें, ठीक है। तो कीबोर्ड से ओपन करने के लिए जिस भी एप्लीकेशन का मुझे शॉर्टकट तैयार करना है, उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करेंगे। सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर जाएंगे। यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, सिक्योरिटी का, डिटेल्स का, प्रीवियस वर्जन, जनरल एंड शॉर्टकट। तो ऑलरेडी मैं अभी शॉर्टकट में हूँ, ठीक है। शॉर्टकट ये दिख रहा है, शॉर्टकट की जो भी ए से लेके जेड तक कुछ भी हम शॉर्टकट रख सकते हैं। कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो ये मेरा टैली प्राइम ओपन होगा। इसके लिए मुझे शॉर्टकट तैयार कर, जैसे कि ये मेरा रहा टैली प्राइम, तो उसके लिए यहाँ पे मैं टी रख देता हूँ, ठीक है। टी छोड़ के मैं ओ भी रख सकता हूँ, पी भी रख सकता हूँ, आर भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या रखना है। तो टैली है, इसके लिए मैंने टी रख दिया है। एंड अप्लाई, कंटिन्यू एंड ओके। जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरा शॉर्टकट तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बार ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं, आप लोगों को हम ओपन करके दिखाते हैं। कंट्रोल प्रेस कीजिए, साथ में अल्ट प्रेस कीजिए और टी, अपने कीबोर्ड में टी वाला बटन प्रेस कीजिए। देखिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है, हो रहा है अभी। कुछ थोड़ा सा समय ले रहा है होने में, प्रोसेसिंग होने में कुछ टाइम लेता है। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा टैली प्राइम ओपन हो रहा है। देखिए मेरा टैली प्राइम ओपन हो चुका है। थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।